भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ट्रीलिंग अ लॉट मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एड नंबर में व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करो हाई पेज और अपनी सीरियसलीसनल रीडिंग बुक कराओ वेरी मिनिमम फीस जी हाँ वर्गो देखते हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा रहता है ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग देखते हैं ओशो डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है वरगो ओके लेट्स सी यू गॉट द स्क्रीड्स ऑफ एनिया कार्ड ओके टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफी कंफ्यूजन आते हुए दिख रहा है मेंटल आपका बढ़ते हुए दिख रहा है अप्रैल मंथ में आपको कुछ डिसीजन लेना होगा आप, अपने आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी वीक पड़ते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप रिस्क लेने से बहुत डर रहे हो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो आपको कुछ फियर चल रहे हैं आपके माइंड में और मैं आपको बस ये बोलूंगी वो गो कि अगर कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ, आ रही हो अपने बड़े बड़ों की अपने पेरेंट्स की अपने मेंटोर्स की हेल्प कीजिए इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहिए क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहेंगे ना तो आप फंसे रहेंगे बीच में तो क्लैरिटी मेंटल क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए अप्रैल मंथ में और डिसीजन कुछ तो आपको मेजर लाइफ डिसीजन लेने हैं जिस वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है so, सो क्रिप्सोफेनिया का एनर्जी है ओके okay? लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या है और रिस्क लेने से मत घबराइए रिस्क लीजिए रिस्क लीजिए रिस्क होगा तभी तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे वो अगर तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ओके लेट्स सी ओके यू गॉट द डिफेंस कार्ड ये कार्ड फिर से आया है विच इज द मार्स

मार्स एंड टॉरस ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में जो डिफेंस या जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो हो ही रहा है ताकि आप अपने बड़े अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ और क्लोज आए आप और और क्लोज आए टूवर्स योर ड्रीम्स टूवर्ड्स योर गोल्स कहीं ना कहीं आपके एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं कि टाइम आ गया कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है अपनी लाइफ में और डेडिकेशन लाने की जरूरत है अपने टुवर्ड्स योर लाइफ गोल्स तो ये स्ट्रांग मैसेज आ रहा है प्लीज बी वेरी केयरफुल वर्गो कि आप इस मंथ किसको क्या चीज बोलो क्या करो अपने एक्शंस पे और अपने वर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस मंथ में ओके लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स हायर बींस एंसेस्टर्स जनरल रीडिंग फॉर वर्गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 लेट्स कट द ओके लेट्स सी You got a three of cups card. Okay, that's, that's a nice relief card. Uh, Taslim, and you got moth. Ha, perre. What on the deck? Shahbanu in reverse.

देखो आपके अप्रैल मंथ में ना कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में कुछ बहुत चीजें खत्म होते हुए दिख रही हैं और कुछ नई शुरुआत होते हुए दिख रही है सो बी वेरी प्रिपेयर फॉर दैट ओके लेट्स गेट योर रीडिंग फ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो बहुत पार्टीज करते हुए दिख रहे हो फ्रेंड्स जो आपके होंगे ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं अप्रैल मंथ में आपके लिए Also, मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हो पार्टीज करते हुए दिख रहे हो एंड ओवरऑल आई एम सीइंग फ्रेंड्स के साथ आपके अक्वेंटेंस के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉग होते हुए दिख रहा है वो गो तो फ्रेंड्स आपके बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे ऑल्सो ऑफ सिग्निफाई करता है है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है। आप एक हेल्दी पर्सन दिख रहे हो आपकी स्किन ग्लो कर रही है आप अच्छा खाना खा रहे हो एंड डेफिनेटली पीपल अराउंड यू विल नोटिस अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन यू ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी नए लोग जुड़ने वाले हैं काफी नए लोग आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं वो गो सोशली आप काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हो सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी कमिंग फील यू ओके okay, तस्लीम तो की एनर्जी आप ही की एनर्जी आ गई दैन गो एनर्जी इट तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी आपकी इना नॉलेज आपकी इना विजडम बहुत बढ़ते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अगर आप पहले शायद जजमेंटल थे या पहले आपका कुछ परसेप्शन अलग था तो अब वो परसेप्शन आपका चेंज होते हुए दिख रहा है वो गो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भले ही सोशल रहोगे बट आप अपने थॉट्स को अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हो ये फिल्म में एंड मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा लाइफ को आप पॉज लाते हुए दिख रहे हो भले ही अब आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो रही है बट आप ना अपने ही अंदर ही अंदर काफ़ी रहोगे आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने इमोशंस हैंड मैन तस्लीम की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है अपने आप में रहने की अपनी लाइफ को फिगर आउट करने की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मेजर लाइफ चेंजेस तो डेफिनेटली दिख रहे हैं वो वो अप्रैल मंथ में तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपको आपके गोल की तरफ ही मोटिवेट कर, कर रहा है आपको पुश कर रहा है So that's an एनर्जी है कि जो भी नेगेटिव चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में वो एंड होते हुए दिख रही है, है कहीं कही मुझे दिख रहा है नेगिटिव आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जाती हुई दिख रही है एंड पॉजिटिव चीजें आते हुए दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है लाइफ चेंजेस चेंजिंग की एनर्जी है तो वगो मैं आपको यही बोलूंगी तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो भी हो रहा है लाइफ में अच्छे के लिए हो रहा है आप अपने अपने ड्रीम्स के तरफ टुवर्ड्स योर गोल्स आप जाते हुए दिख रहे हो एंड uh, मुझे यही दिख रहा है कि लाइक आई सेड डिवोर्स सेपरेशन तो अगर आप लोग अपना डिवोर्स या सेपरेशन अवेटेड था लीगल केस चल रहा था वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है वगो एंड व्हाट आई एम सीइंग योर इन अ नॉलेज Is इस चीज में आपका बहुत सपोर्ट करेंगे मुझे दिख रहा है वो गो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना जब भी आप उनसे हेल्प लेने जाओगे ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे वो गो सो so, का मुझे ठीक ठाक ही दिख रहे हैं ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप अपना जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो बहुत लोग शायद रेजिग्नेशन डालते हुए दिख रहे हैं अप्रैल मंथ में एंड नई जॉब की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं सो so, वो गो अप्रिल मंथ आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ दिख रहा है मैं बस यही बोलूंगी कि जो भी एक्शन करें जो भी बोले बस सोच समझ के बोलें तो दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू एंड सीरियसली कोई भी इशू चल रहे हैं चल रहा हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर दिस इज वेरी जनरल रीडिंग ओके दिस वॉज योर जनरल रीडिंग लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ वन वर्थ्स हाई वो गो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो लव करते हो उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लेट्स गेट स्टार्ट विथ रीडिंग देखते हैं Oracle, देख से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओके यू गो कार्ड सक्सेस विक्ट्री अचीवमेंट ओके कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट रिकनसिलेशन कंसिडरेशन ओके वन मोर एनर्जी डेथ एनर्जी एंडलेस हार्म इनविटेबल आपके आपके पार्टनर की एज नाइनटीन uh, या थर्टी थ्री हो सकती है Six and one number is a very significant number for you. Okay, Sun and Venus ki energy hai. Death energy. Aai hai. Endings to ho rahi hai Virgo. Okay, let's get started with your reading. Angels. Higher beings. Ancestors. Oh, love life of Virgo in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. आपकी सास बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है भी दिख रहा है करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन शाह इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फाइव ऑफ कप्स फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन फाइव ऑफ सो योर एनर्जी सिक्स ऑफ एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन सितारा फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द टेक एंड इंट्रो बॉटम ऑफ द टेक में जोडिया साइन बता देती हूँ जेमना लीब्रा एक्वेरियस

यही दिख रहा है मुझे एंड uh, चलो लेट्स uh, okay. में like, भाई, वोगो को मेरी ही सुननी पड़ेगी मेरे ही हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी वरना आई डोंट केयर दे रियली डोंट केयर अबाउट यू वर्गो ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में सोचते ही नहीं है वो लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग करंट एनर्जी में आर लाइक कि Uh, वो अगर आपको मेरे साथ रहना है आप रहिए गुड नहीं रहना है मत रहिए तो भी वेरी गुड दिस इज देयर एनर्जी यू बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है सिर्फ अपने करियर अपना पैसा अपने अपना अपना के बारे में सोचता है करेंट एनर्जी में दे आर लाइक कि अरे वोगो की इतनी डिमांड्स क्यों है वो इतना डिमांडिंग क्यों हो रहा है वोगो की इतनी नीड्स क्यों आ रही है लाइक like वाई आपको

तुमने तुमने उम्मीदें पाल रखी इसलिए तुम तकलीफ में हो ये खुद रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में वही दिख रहा है ट्रायम्फ विद किंग ऑफ विद शाफ स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है मैं बता रही हूँ ना ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में या मैरिज या मैं जो भी होंगे ना ये ऐसे ही है इनका एटीट्यूड ही ऐसा है एग्जैक्टली इंटेंशन सी ओके कॉम्प्रोमाइज विद फाइव ऑफ कप्स इनका इंटेंशन कुछ भी नहीं है आपकी तरफ मेरे हिसाब से अगर आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही या ब्रेकअप की सिचुएशन है या इश्यूज चल रहे हैं

कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूँ ये भले ही बता रहे हैं जता रहे हैं इन्हें बहुत फर्क पड़ता है ये बहुत रोते हैं इन्हें लगता है कि वो के साथ इतनी इश्यूज क्यों हुई इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई बट ये अपने इमोशंस को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एंड द रीजन इज दैट की इनका ईगो इनका एटीट्यूड इतना हाई है इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको वगो दैट्स द एनर्जी फ्यूचर एक्शन में आई एम सो सॉरी टू से दिस वो कि अभी भी अगर आपने उम्मीदें रखी हैं कि ये सुधर जाएंगे नहीं ये मुझे कमिटमेंट शादी बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपने इस पर्सन को रखा है कि इस पर्सन का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मेरे हिसाब से आपने अपने पति को या अपनी पत्नी को रखा होगा अपने माइंड में मुझे दिख रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपना कंटिन्यू करते रहेंगे

डाइवोर्स uh, मांगते हुए दिख रहे हैं आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो ओवरऑल मैं ये बोलूंगी वो गो दिस वीडियो ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं और आप तब ये एनर्जी चेक करा रहे हो ये बहुत ही लास्ट स्टेज में है कुछ बचा नहीं है इस पूरे कनेक्शन में इनकी इनकी एनर्जी आपके लिए कुछ है ही नहीं है भी तो सब नेगेटिव है वह वो आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको आप बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो मेरे हिसाब से आप ईगोइस्टिक नहीं हो रहे वर्ड यू आर कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट पास्ट में आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गवाया था आपको लगा था कि कुछ नहीं चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं चलो नहीं वर्क ऑन करते नहीं इस पर्सन के साथ सब ठीक होगा अच्छा होगा नाउ यू आर लाइक तुम अगर इतने सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो तुम इतने नासिसिस्ट हो रहे हो तो भाई मैं अपने बारे में तो एक दो पर्सन तो सोचूंगा ही ना

बिच गए हो डोरमैट की तरह नहीं करना है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उठाओ या तो मूव ऑन करो इस पर्सन से या तो आप अपने काम पे ध्यान दो अगर आप मैरिड हो तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे डील करना है दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू क्योंकि यू नो व्हाट आई एम सीइंग द फ्यूचर आप दोनों के बीच में ना एक पीसफुल रिजॉर्ट आते हुए दिख रहा है। देखो ये मुझे रिकनसिलियेशन पैचअप की एनर्जी नहीं दिख रहा क्योंकि ये पर्सन सुधरते हुए नहीं दिख रहा फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है दिस इज वर्गो कमिंग फॉर यू आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड ऑल आई एम सींग यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और आपकी लाइफ में एक न्यू लव आते हुए दिख रहा है नंबर वन नंबर टू मुझे ये दिख रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट आपके होते हुए दिख रहा है मुझे दिख रहा है मे बी उल मीद जिसके साथ आप एक बहुत इमोशनल बॉन्ड शेयर करोगे एक ऐसा दोस्त आते हुए दिख रहा है जो आपकी इमोशनल नीड्स को बहुत पूरी करेगा वो को सितारा इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट हैीस तो आपका मेंटल पीस बढ़ते हुए दिख रहा है आई एम सींग एन एनर्जी ऑफ सेव फॉर यू आप अपने आप में ही इतने खुश रहोगे अपने आप में इतना सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे कि आपको इस पर्सन की जरूरत ही नहीं होगी फ्यूचर में सोचोगे क्या मैंने इस पर्सन के साथ इतना टाइम वेस्ट किया किया क्यों आप इस एनर्जी में आ रहे हो वो दिस इज द एनर्जी कमिंग फॉर यू मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस इस पर्सन में ना इन्वेस्ट करके का को कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है विच इज द पेरेंट्स दिच इज द इन लॉज वो भी सुधरेंगे नहीं फ्यूचर में मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने करियर में आप अपने ऊपर अपने ऊपर इतना ध्यान दोगे कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे एंड यू बी नीडिंग नो वन ऑल्सो मुझे दिख रहा है न्यू एक न्यू रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख हो ऐसा पार्टनर आएगा जो आपकी केयर करेगा वैल्यू करेगा जो चीजें इन्होंने कभी नहीं दी है वो सब चीजें नया पर्सन आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में वो ओके okay, बाकी सीरियसली कोई भी इशू आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टारो रीड ऑफ बाय